किसान भाइयों, मैं आज मोदीपुरम में जॉन डियर की एजेंसी पर हूँ। ये देखिए जॉन डियर, और यहाँ 50-50D नया ट्रैक्टर आया हुआ है। 14 और 28 के भाइयों टायर हैं इसमें। अगले हैं 7-50-16 के। ये कितने HP का है? 50। क्या कॉस्टो की अंदाजा इसकी? एक्सोरूम एक्सोरूम तो सर प्राइस का नहीं कह सकते, कुछ घटते बढ़ते रहते हैं। 7.5 लाख रुपए का चल रहा है। अच्छा अच्छा, और ये कौन सा है? ये क्या 5 है। ये कितनी HP का? ये 40 हॉर्स पावर है। 40 से कुछ ज़्यादा? 40 HP है जी, 4-wheel drive। अच्छा, 4x4। भाइयों ये 4x4। अच्छा, ये इसका आइडिया क्या? थोड़ा सा इसका आइडिया भी 7.5 ही है जी। 7.5 भाइयों, 4x4 है। वैसे मेरे विचार से 4x4 ही लेना चाहिए, कई बार हमें आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आलू की बुआई कर रहे हैं, अधिक वजन होने के कारण मशीन बुआई का सीढ़ी मारता रहता है ट्रैक्टर, तो वहाँ 4x4 लगा सकते हैं आप। गन्ने की ट्रोली खींच रहे हैं और 4x4 लगा के आप चलिए, तो जब आप एक बार ट्रैक्टर चल पड़ो फिर ट्रोली नहीं रुकती, वहाँ भी ये कामयाब है। इसमें कंप्यूटर मांझे का भी सिस्टम दिया है। तेरे के टायर है भाइयों, और इसमें 14 के दिए हैं 50-50D में। मुझे तो पिछला हिस्सा सेम साइज दिखाई दे रहा है भाइयों। ये देखिए, ये 3 सिलेंडर में आता है, साइड शिफ्ट गियर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, देखना आप। देखिए वही तो गियर है इसमें है, और वही सब कुछ इसमें दिया है, सेम है पिछला हिस्सा। जॉन डियर की एक ख़ास बात है, ये 4500, 4800, 5500, 5200 इंजन देखने में एक सही है। पता नहीं कंपनी ने कैसे ताकत बढ़ाई है, और जिसके पास भी है ट्रैक्टर चाड़े पड़ रहा है, कोई भी शिकायत नहीं है। कुछ मेरे भाई डरते हैं इनको तेल ज़्यादा खा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने हाथ में है कम्बडू तेल खुलाना। कीमत तो जो बताई है इन्हें सही मत मानना, आप अपने हिसाब से सौदा करें, क्योंकि रेट बताने के कुछ और होते हैं और देने के कुछ और होते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है भाइयों। तो भाइयों, बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार भाइयों, ये इनका शोरूम है जॉन डियर का। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है। अरे वाह, चाड़े काट दिए। ये कुछ मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, देखिए भाइयों किस तरह से गन्ना उठा रहा है। ये देखिए कंबाइन दी है जॉन डियर की, ये 4x4 दिखाया है, 50-65E।
भाइयों ये 50-75 का फोटो दिया है, यहाँ हर मॉडल दिया है। भाइयों देखिए इसमें प्रोडक्ट रेंज मॉडल HP 50-50E 50 HP का है, 53-55 HP, 50-50E 55 HP, 50-60E 60 HP, 50-65E 65 HP और 50-75E 75 HP। इस चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। ये दूसरा दिया है 50-39D 39 HP, 50-42 42 HP, 50-45 45, 50-50 50 HP। ये देखिए अगला चार्ट है 50-36C 35, 50-39 39, 50-42 42 HP। तो ये इनकी आज पूरी HP खोल दी गई है। ये गन्ना काटने की एक मशीन दी गई है, ये जॉन डियर ने बनाई है भाइयों। ये देखिए किस तरह जड़ से गन्ना काट रही है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर रही है। ये देखिए ट्रक में किस तरह गन्ना लोड कर रहा है, बहुत ऊंचाई पे उठा के। भाइयों ये इनका अपना जॉन डियर का है, रोटावेटर भी आ चुका है मार्केट में, बहुत सुंदर है बनावट। ग्रीन सिस्टम तो दोस्तों आपको जॉन डियर ट्रैक्टर, जॉन डियर के जो कृषि यंत्र और जॉन डियर के जो पोस्टर हैं काम करते हुए हैं ज़रूर अच्छे लगे होंगे। जॉन डियर बहुत बड़ी कंपनी है और अब तो हमारे देश में बनने लगे हैं। नमस्कार भाइयों, ये मोदीपुरम बाईपास से जो मेरठ की तरफ जाते हैं शहर की तरफ, ये बिल्कुल मेन रोड पर राइट साइड में जॉन डियर की एजेंसी है। यहाँ एक फार्म ट्रैक भी बिकाऊ खड़ा है, आ सकते हैं आप, संपर्क करें। तो दोस्तों अब बढ़ गए हैं हम अपने गांव की तरफ। यहाँ MRF के डीलर हैं, टायर भी मिलते हैं ट्रैक्टर ट्रक वगैरह के। ये मोदीपुरम की बात है और ये गुरुकुल डोलरी स्कूल आ गया राइट साइड में। यहाँ हम पढ़े हाई स्कूल तक, मैं भी पढ़ा 6ठी से। ये गुरुकुल का गेट है, 6ठी से 10वीं तक मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ और बबलू भी यहाँ पढ़ा है। अब ये मोदीपुरम फ्लाईओवर आ गया, इधर जो है दिल्ली की तरफ जाएगा, इधर मुजफ्फरनगर की तरफ हम जा रहे हैं। इधर ही ये बाईपास है, तो आपकी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। ये मोदी दयावती स्कूल है DMA फर्स्ट, जब मोदी फैक्ट्री चलती थी ये शुरू में बनाया गया था और आज भी चल रहा है। और भाइयों अभी सर्वहित हॉस्पिटल आने वाला है,
ये भी काफ़ी पुराना है, जब कभी मोदीपुरम बसी थी जब भी बना था ये रहा सर्वित। तो दोस्तों आपकी वीडियो, आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इधर पल्लवपुरम फेस फर्स्ट आ गया है। नमस्कार।